दोस्तों हम बटेरे लेने आए हैं और ये देखें बटेरे ज़िबा होते हुए। दोस्तों ये देखें पिटबुल, लेब्रा और ये ऊपर भी ये ट्विंटल मार्केट है लाहौर की मार्केट, जहाँ पे देखें चूज़े कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे कलर हैं इनके, और नीचे जंगली कबूतर भी हैं ऊपर भी। और हम लोग ये बटेरे ले रहे हैं इस टाइम। और वो पीछे डॉग भी हैं। क्विंटल मार्केट से हमने खाने के लिए भी लिए हैं बटेरे और साथ रखने के लिए, खोल के दिखाएं, ये दो हमने ज़िबा नहीं करवाए, दो हमने रखने के लिए ले लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। दोस्तों घर में सब्ज़ी बन रही थी और मैंने सब्ज़ी में से धनिया और पालक अपनी फिंचिस को दी हैं, लेकिन ये अभी कंफ्यूज है, मैंने ये ना धनिया को ऊपर लटका दिए लाइक इस तरह, तो अभी तक तुम्हारी चिड़ियाँ जो हैं कंफ्यूज हैं। और ऑस्ट्रेलियन तोतों को भी मैंने दिए थे लेकिन ऑस्ट्रेलियन तोतों ने नीचे फेंक दिया। मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन तोतों के पिंजरों में ऐसी कोई चीज़ लगाऊँ कि जिस पे मतलब कुछ खाने वगैरह की चीज़ रख दें और ऑस्ट्रेलियन तोते इजीली खा सकें, क्योंकि ये ऊपर बैठे होते हैं, नीचे जाने की जहमत नहीं करते, बस ऊपर बैठ के इन्हें कुछ मिल जाए। अब जिस तरह नीचे गिर गए इन्होंने बस नीचे नहीं गिरे। कल देखें दोस्तों स्ट्रॉबेरी को इन्होंने खाने की कोशिश की, वो भी नीचे गिरी और वो भी नीचे जाके किसी ने नहीं खाई, ये बस ऊपर बैठे रहते। या इनके बैठने की कोई चीज़ मैं नीचे भी लगाता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे इजीली बैठ सकें। अब देखें दोस्तों ये सारे ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे खाने कोई भी नहीं जा रहा। हम फिर ऐसे करते हैं ये पालक को उठा के ऊपर रखते हैं ताकि ये दोबारा खाने की कोशिश करें, लेकिन ना वाकई ऊपर कोई चीज़ नहीं रख सकते हम, क्योंकि एक मिनट इसको हाफ तोड़ देते हैं, नहीं इस तरह करते हैं ये। दोस्तों अब देखते हैं ये खाते हैं या नहीं, मैंने इस तरीके से रख दिया। हम लोग खाने के लिए बटेरे लेके आए और 12 बटेरे जो हैं वो मैंने वैसे ज़िबा करवा लिए, लेकिन ये दो बटेरे मैंने सोचा कि घर पे रखते हैं और ये मैंने ज़िबा नहीं करवाए। टोटल मैंने 14 बटेरे लिए थे लेकिन दो बटेरे मैंने ज़िबा नहीं करवाए और ये दो बटेरे मैं घर ले आया। और ये मेल है ब्लैक वाला, ये फीमेल है, फीमेल की बैक साइड पे बाल नहीं है, ये उस टाइम मुझे नज़र नहीं आया, ये जब मैं घर ले आया और मैंने देखा कि इसके तो बाल ही नहीं है। इनको अब इस केज में रखेंगे, इसमें थोड़ी सी मतलब बुरा वगैरह डाल के, और या मिट्टी डालूंगा या बुरा डालूंगा, और उसके बाद इसमें मतलब दाना वगैरह इनको देंगे। ये बहुत मतलब इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, जब बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं बटेरे। ये देखें ये बहुत खुश हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बटेरे थे एक ही पिंजरे में, उन लोगों ने इतने ज़्यादा रखे होते हैं क्योंकि ये मतलब ज़िबा करके लोग लेके जाते हैं खाने के लिए, तो मैं रखने के लिए ले आया उनसे। और माशाल्लाह ये देखें दोस्तों बहुत खुश हैं नीचे तो, ये देखें दोस्तों अब ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए मैं ना कोई चीज़ आज लगाऊंगा, अभी थोड़ी देर तक ना मैं इनके पिंजरे में कोई चीज़ लगाता हूँ ताकि ये इजीली बैठ के खा सके। अब देखें ये कितने खुश हैं, वो देखें उसने थोड़ी जहमत कर लिया नीचे जाके खाने की, क्योंकि ये सबसे पुराना तोता है, इसकी आँख का मसला है, और ये फिर भी माशाल्लाह नीचे चला जाता है खा पी लेता है, लेकिन ऊपर वाले जो है ना इनके डर ही नहीं जाता, ये नीचे जाते नहीं। खास तौर पर वो जो पेयर है वो तो कुछ ज़्यादा ही नवाब है, वो बिल्कुल नीचे जाने की कोशिश नहीं करता। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पिंजरे में ला के ना मैं थोड़ा इनका नेस्टिंग मटेरियल भी रखूँ, घास वगैरह रखूँ ताकि ये कोई अपने नेस्टिंग वगैरह करें, गर्मियाँ आ रही हैं, इनका सीज़न आने वाला है। तो आज इनके पिंजरे को भी थोड़ा साफ़ करते हैं, बटेरों के पिंजरे का भी, और इनके पिंजरे में कोई चीज़ लगाते हैं अभी थोड़ी देर तक, और बटेरों का ये शीशा भी साफ़ करना है। बहुत प्यारे लग रहे हैं, दिलबर माशाल्लाह वहाँ भी बैठा हुआ है, इसको मैंने दोबारा यहाँ से निकाल दिया था, यहाँ पे तो दिलबर सदमे में चला गया था कि मैं किधर आ गया हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे रहना पसंद करता है, जब से मेरे पास आया वो इसी में रहता है, यहाँ से खोलता हूँ वो उड़ के घर में उड़ता रहता है या उधर जाके बैठ जाता है, लेकिन जब मैंने इसमें बंद कर दिया वो तो एकदम चुप ही कर गया, कल से उसकी आवाज़ ही नहीं थी आ रही। फिर मैंने उसे अभी निकाल दिया कि जा भाई तू आज़ाद ही रह, तो यहाँ पर मैं बटेरे छोड़ने लगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी फ़ीमेल भी लेके आएंगे, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके आऊँगा इसकी फ़ीमेल भी, ये फिर खुश हो जाएगा, क्योंकि सब जो हैं वो पेयर्स हैं और ये अकेला रहता है, ये इसलिए सदमे में रहता है। अभी ये थोड़ी देर पहले ना बोल रहे थे और इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह, तो अभी तो ये गंदे हैं, मैले हैं, इनके हालात काफ़ी मतलब, क्योंकि ये सिर्फ ज़िबा करने के लिए थे, वहाँ पे इनको रखा हुआ था कि ये सिर्फ इनका गोश्त लेके आएंगे, मैं लेके आया था इनका गोश्त, मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका गोश्त लेके आया था। दोस्तों इतने इतने से अंदर से, इतने इतने से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों अंदर से ये सिर्फ इतने से है, छोटे से,
तो ये मैं लेने गया था, मेरा जो वैसे ही दिल कर रहा था बटेरे खाने पे, एक रमजान भी था तो मैंने सोचा कि बटेरे, क्योंकि मैं चिकन लेने गया था वहां पे, तो चिकन के साथ मैंने बटेरे भी ले लिए, क्योंकि ट्विंटल मार्केट जो है वो लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ से गोश्त मिलता है, मतलब चिकन मिलता है, तो वहाँ से ये बटेरे, कबूतर और उसके बाद खरगोश, इनका भी गोश्त मिलता है, तो मुझे, मैंने बटेरे लेने थे तो बटेरे मैंने लिए, तो ये दो बटेरे मैंने कहा कि नहीं करो आप, इन्हें ज़िबा नहीं करो, मैंने टोटल 14 लिए थे, मैंने पहले भी बताया, तो 14 बटेरों में से 12 मैंने करवा लिए और 2 ये रख लिए कि इनको नहीं मतलब ज़िबा करना, ये मैं घर में इनको पालूंगा। देखिए दोस्तों, अंदर से ये सिर्फ इतना से ये देखिए कितना मतलब छोटा सा है, और ये भी अंदर से इतना ही होगा, किसी दिन मेरा दिल है इसको भी ना मतलब काटें, ज़िबा करें और इसकी भी ना टिक्के बनाएं इसके छोटे छोटे से। दोस्तों ये मैं रख के आया, ये देखें दोस्तों, अब आपको सही तरह नज़र आए ये कैसे हैं। तो दोस्तों अभी मुझे इनका कोई अंदाज़ा नहीं है, मेल कौन सा फीमेल वो कौन सी है, हो सकता दोनों ही मेल हो सकता दोनों फीमेल हों, बट जो भी है प्यारे हैं माशाल्लाह। इन सब परिंदों के साथ साथ हम इनको भी रखेंगे और इनकी भी डेली रूटीन आपको दिखाऊंगा कल इंशाल्लाह, इनका हम केज सेट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बूरा भी ख़त्म हो गया है, मिट्टी में डालना नहीं चाहता, बूरा ये है कि वो मतलब सूखता भी नहीं है, बस जहाँ पे पानी गिरता है इनका वॉशरूम होता है वो जगह बस सख्सी हो जाती है और बूरे से स्मेल भी नहीं आती, तो मिट्टी नहीं मैं डालूंगा इनके लिए, बूरा ही रखूँगा, लेकिन कल इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज मेरा प्लान पूरा था इनका करने पर, लेकिन मैं मतलब कि पूरा मेरा अचानक मैंने देखा वो ख़त्म हुआ हुआ था थोड़े में, तो अब इंशाल्लाह इनका कल करेंगे। और ये देखें दोस्तों, ये बस ना मतलब इनके पास आ जाए तो ये बोलना छोलना चुप कर जाते हैं, लेकिन ये जब अपनी मस्ती में होते हैं सबसे ज़्यादा इनका शोर होता है, सबसे ज़्यादा इनका शोर होता है पूरे घर के अंदर, और ये माशाल्लाह है भी प्यारे दोस्तों देखें, और ये केज भी अब इनका प्यारा लगने लग गया, क्योंकि बैक साइड पे इनका वॉलपेपर लग गया, साइडों पे भी लगाऊंगा लेकिन वो फिर कभी लगाएंगे, अभी मतलब इनका बेस्ट है, अभी इनका देखते हैं ये ब्रीडिंग वगैरह करते हैं या नहीं, इनके लिए कैल्शियम वगैरह की गोलियां ले आते हैं, और वैसे भी इनका सीज़न है इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग वगैरह करेंगे, मुझे फुल उम्मीद है। और ये देखें दोस्तों, फिंचेस हमारी, इन्होंने ये धनिया खाया है लेकिन सारा ख़त्म नहीं किया, इन्होंने बस समझ लिया कि हल्का हल्का मुँह ही मारा था और थोड़ा टेस्ट ही किया था। और ये देखें दोस्तों, इनको मैं एक दफ़ा इनका पिंजरा खोलता हूँ, क्योंकि इस तरह ना सही से नज़र नहीं आती, अब इनकी देखें लुक माशाल्लाह से, ये बहुत प्यारी हैं ये फिंचेस। अच्छा मैंने इनका नोट किया, ये सिर्फ खाना खाती हैं नीचे जाके और फट ऊपर आ जाती हैं, और नीचे जो ये डब्स हैं और ये ऊपर नहीं आती, इन्होंने अपने पोर्शन बना लिए, इन्होंने लगता है एक दूसरे के साथ ना कमिटमेंट कर लिया कि हमने नीचे नहीं आना और आप लोगों ने ऊपर नहीं आना, बस दाना हम एक जगह पे बैठ के खाएंगे दोनों। इनका पानी भी चेंज करना है, वो भी अभी मैं चेंज करता हूँ, इनका पानी चेंज करते हैं दोस्तों, वही जो इनकी पुरानी बोटल थी पानी वाली वही मैंने वापस रख दी है, यही मैंने यहाँ पर रखी थी इनकी पानी वाली दोस्तों, इनका पानी लेके आते हैं, पानी तो अंदर पहले से था लेकिन वो गंदा हो गया था, क्योंकि फिंचेस को मैं देख रहा था ये नहा रही थी अंदर, तो इन्होंने पानी गंदा कर दिया था, और ये पानी ने दोबारा इनका चेंज कर दिया, हालांकि मेरे पास ये पड़ी हुई हैं डब्बियाँ, लेकिन इसमें ना ज़्यादा पानी आ जाता है और इसमें ज़्यादा इनको ना खाने को मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। लेकिन दोस्तों जब से ये बंद किया ना, एक तो फुल सुकून हो गया, बाहर जाना होता था या कहीं पे जाना होता था देखना पड़ता था कि फिंचेस कहीं आना चाहे या फिंचेस, मेरी एक फिंच ऐसे मेल पहले फरार हो चुका है, भाग चुका है, तो फिर मुझे थोड़ा ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन जब से मैंने ये बंद किया थोड़ा मुझे ना ज़हनी तौर पर सुकून हो गया कि ये कहीं नहीं जाएंगी। और दोस्तों हमारा इंशाल्लाह एक्वेरियम भी, मेरा दिल कर रहा है कि कल एक्वेरियम को भी सेट करें, कल एक्वेरियम आपको सेट करके दिखाते हैं, क्योंकि ये भी बोर होने लग गए, इसको बस ज़्यादा सा पानी मिल गया और इसको कुछ मिला नहीं है इसमें, तो मेरा ख्याल है ये देखें दोस्तों ये हिल क्यों नहीं रही ये हिली, मैंने अंदर से हाथ मारा है, हाँ जी ये हिली और पानी फुल ठंडा हुआ हुआ है, ये मैंने ऊपर इनके रखे हुए हैं फिलहाल, ये रखे हैं, ये थोड़ा सेट करूँगा मैं अभी, एक्वेरियम तो फुल सेट करना है, समझ लें बस पानी डाला है और मछली को अंदर छोड़ा है, और ये समझ लें हमारा टेस्ट ही चल रहा है कि पानी लीक होता है या नहीं, लेकिन माशाल्लाह से पानी लीक नहीं हुआ। और दोस्तों कैट्स के खाने का टाइम हो गया है, और माशाल्लाह से आज हमारा भी पहला रोज़ है, मैंने भी सैरी करनी है और उसके बाद सैरी के बाद नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैक्स को भी लेके जाना है, और आप लोग सोचते होंगे कि मैं रात को क्यों खाना देता हूँ इनको, दोस्तों इनके खाने की टाइमिंग है 3 टाइम, कभी कभी मैं 2 टाइम देता हूँ लेकिन मोस्टली इनको 3 टाइम देता हूँ, वो इस तरह के सुबह टाइम इनको मैं खाना देता हूँ सुबह 12 बजे, वो इनको मिलती है फूड,
कैट फूड और डॉग फूड, वो ड्राई फूड मिलती है जो बाजार से मिलती है, कैट्स को मैं देता हूँ रिफ्लेक्स या मतलब चेंज करता रहता हूँ मिस्टर पेट या रिफ्लेक्स। और उसके बाद डॉग की भी एक फूड है, डॉग की फूड का मुझे नाम नहीं आता, मैं आपको इंशाल्लाह वो डॉग फूड दिखाऊंगा, इंपोर्टेड फूड है डॉग की। और उसके बाद मैं इनको शाम टाइम देता हूँ तकरीबन 5-6 बजे मगरिब से पहले इनको खाना दे देता हूँ, ड्राई चिकन या कभी कभी बॉयल करके कलेजी ये खाने में देता हूँ। रात को जिनको खाना मिलता है वो देसी फूड मिलता है, उस मेन खाना ही रात को मिलता है जिसमें इनको मिलता है चावल मिलते हैं, और उसके बाद चावल आलू गाजर कद्दू और चिकन या उसमें कलेजी वगैरह या पंजे मिक्स करके बॉयल करके उसके अंदर इनकी ड्राई फ्रूट थोड़ी थोड़ी सी डालता हूँ, कैट्स की अपनी डालता हूँ, डॉग्स की अपनी डालता हूँ, और उसके बाद इनको थोड़ी बहुत मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशंस डालते हैं जिसमें एक पाउडर पाउडर की शेप में एक मतलब इनको काफ़ी चीज़ें मतलब डाल के अच्छा खाना इनको रात को ही देता हूँ ये, जिससे सुबह तक मतलब वेट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इन्हें 12 बजे खाना देना है। कभी कभी मैं होता हूँ लेट हो जाता हूँ जिसमें मैं इनको खाना देता हूँ 12 बजे 1 बजे, और कभी कभी होता है कि 2 बज जाते हैं, सो इसलिए इनको खाना इस तरीके से देता हूँ कि ये सारा दिन मतलब कभी लेट भी हो जाए तो ईजिली ये टाइम स्पेंड कर सके। तो दोस्तों आए चलते हैं इनको खाना देते, इतना खाते हैं ये लोग लेकिन इन्हें फिर भी खाने का वेट है। ये देखें ये सबसे ज़्यादा माशाल्लाह खाता है स्नोबेल, लेकिन इसे फिर भी खाने का वेट है। ये साथ बैठा है मेल मिठी और बस ये पिकी फेस गोल्डी गोल्डी क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पे दोस्तों पानी गिर रहा है अभी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और गोल्डी यहाँ पे आके पानी के साथ लगी हुई है। गोल्डी कैसी हो? आज गोल्डी का हमारे घर पे दूसरा दिन है माशाल्लाह से, और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लगती है, मुझे तो डर है कहीं ये वीक ना हो। ए चुप, शोर नहीं करते, इसके भी हालात देखें। हालांकि इसने दिन में आज के दिन में इसने 3 दफ़ा खाना खाया और इसे इस टाइम फिर भूख लगी है। इससे भूख से ज़्यादा ये होता है क्योंकि इसने 6 बजे नीचे जाना होता है। देखा दोस्तों वो नीचे आई है और इसे डर के आई है। माइकल चेक करें, ये ऐसे लगता है कि फुल गुस्से में। दोस्तों इसका फेस एक साइड से देख, मतलब इसने इधर ही कर लिया। ये देख माइकल, ये देखो ये देखो ये देखे दोस्तों, एक साइड से तो पूरा ऐसे पंच है, थप्पा लगा हुआ है। माइकल कैसे हो? सुनने ठीक हो? ये हमारे घर पे इस बच्चे को आज दूसरा दिन है माशाल्लाह से, और ये काफ़ी हद तक यूज्ड टू मतलब हो गए हैं, एक दिन में इन्हें पता चल गया हमने यहाँ पर रहना है। लेकिन माइकल के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा सेटअप बनाना चाह रहा हूँ जिसमें माइकल और गोल्डी 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 बस इनके हम नाम रख देते हैं, इन्हें खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे नाम क्या हैं जिस तरह। लेकिन मेरे एक मेल को अपने नाम का पता है, ये देखना सोबू कम दोस्तों, ये देखें, ये इसको अपने नाम का इतना पता है क्योंकि माशाल्लाह इसको मेरे पास तकरीबन काफ़ी टाइम, तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.5 साल से ऊपर होने वाले हैं। ये सबसे पुराना मेल है, एक ये वाला और बेला किधर है हमारी, वो बैठी हुई है बेला स्नो की बैक साइड में, बेला बेला वो भी जानती है। ये मेरे सबसे पहले घर के बच्चे हैं, इनको इसलिए अपने नाम का पता है, बाकी सब जो हैं वो बाद में आए थे। इनके बाद आई थी मिठी, मिठी के बाद आई स्नो, स्नो के बाद तो बस ना लाइनें लग गई, और सबसे लास्ट पे जो बच्चे आए हैं वो आए हैं, इसे क्या हुआ है, ये एक दूसरे के साथ पंगे ले रहे। सोबू ओ सॉरी मैक्स, चलो गो गो सिट सिट गुड बॉय, किसी टाइम सुन लेता है। और ये देखें, ये काफ़ी हद तक यूज टू हो गए हैं, किधर गई गोल्डी, किधर है गोल्डी, माइकल काफ़ी हद तक यूज टू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी तक डरा हुआ है। ये देखें जो मैंने कल लगाई थी इनकी बैठने के लिए यहाँ पे टोकरियाँ, ये मैंने खुद ही रेडी की तो मैंने यहाँ पे लगा दी, तो ये देखें इसमें बैठा हुआ है। क्या हुआ है, डर क्यों? अच्छा वो नींद में था, डर गया, लेकिन ये भी इंशाल्लाह यूज हो जाएगा। दोस्तों ये भी फॉर सेल के लिए है, अगर किसी को ये मेल चाहिए तो आप मेरे दिए गए लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, इंस्टा पे आएं और मुझे मैसेज करें, आपको ये मेल मिल जाएगा। और ये देखें दोस्तों, सबको खाने का वेट है, सबसे ज़्यादा तो इसको ही होता है, ये तो भूखा ही है। कैट रूम में मैं टायर रखने लगूँ, ये देखें मैक्स भी लगा हुआ है इसके साथ थोड़ा सा आगे करते हैं, मैक्स क्या करते हैं देखते हैं, मैक्स क्या करता है टायर के साथ, एक हम इधर रख देते हैं, देखते हैं मैक्स इसके साथ क्या करता है। मैक्स को बड़ा मज़ा आ रहा है एक नई चीज़ देख के कि ये क्या हो गई है, और एक हम जो है वो इधर रख देते हैं इधर। दोस्तों ये दो टायर अंदर रख दिए हैं कैटरूम में,
कि अक्सर नाखून जो है ना, अब कैट्स जो है वो रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करने के लिए नाखून के साथ ना ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो ये टायर के ऊपर करेंगी। मैक्स को समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ क्या करूं। खैर कोई नहीं, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। मैक्स ने अपना बर्तन साफ कर दिया और अब इसका ध्यान देखें लैला पे है या उधर टॉम की तरफ है। देखें दोस्तों, ये मज़े से खा रही हैं। दोस्तों गोल्डी मज़े से खाना खा रही है और बाकी सब भी खाना खा रहे हैं और हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।